जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर एक बार आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो। आज इस वीडियो में आप लोग ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी अभी एग्जाम देकर जस्ट मैथ पेपर क्लियर करके आए हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग लेकर आ गए हैं सॉल्यूशन। आप अपने सारे सॉल्यूशन को मिला लीजिएगा कि आपने क्या टिक किया, क्या इसका ऑप्शन सही था। सारे पेपर का जो भी आप लोग को ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला है, सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलते चला जाएगा, है ना। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। आइए तो हम लोग इस पर देखेंगे विद्यार्थी। टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि आप लोग ऐसे भी अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लगने वाले हैं। कम समय में हम लोग जल्दी से जल्दी इसका सही सोल्यूशन देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन किसका सही था। यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे विद्यार्थी, उम्मीद है कि आप लोग सब सही क्वेश्चन बनाकर आए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार पूछा है। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, 100 ऑप्शन है उसमें से आपको बनाना कितना है, तो 50 क्वेश्चन बनाना था, है ना। 100 क्वेश्चन अगर यहाँ पर दे रहा है आपको और उसमें से आपको सिलेक्ट करके बनाना था 50 क्वेश्चन की कौन सा मेरा सही होगा, एकदम इजी था। आइए हम लोग समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखें, है ना, तो डिफरेंशिएशन करना था e टू द पावर 13x का। ऑलरेडी हम लोग e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, है ना, e टू द पावर x ही रहता है। अब आप यहां पर देखेंगे e टू द पावर 13x का सेम टू सेम रहेगा, e टू द पावर 13x ही रहेगा आपका, e टू द पावर कितना 13x, और x में जितना से मल्टीप्लाई रहता है देखेंगे यहाँ पे e टू दी पावर इसका आ जाएगा 13x, और x में जितना से मल्टीप्लाई रहेगा उतना से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर में आना चाहिए 13 e टू दी पावर 13x। देखिए तो ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ पे है, c में है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको कम टाइम लेंगे हम क्योंकि आप लोग जल्द से जल्द इसको मैच कीजिए कि कौन सा आपका सही ऑप्शन है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स बाई फाइव का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, डी वाई पूछ रहा है आपसे साइन एक्स बाई फाइव। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि साइन एक्स बाई फाइव फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक्स बाई फाइव है, तो इसका भी हो जाएगा क्या, कॉस में हो जाएगा आपका एक्स बाई फाइव हो जाएगा, और एक्स में वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे आगे 1 बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बाई फाइव कॉस एक्स, देखिए तो कॉस एक्स बाई फाइव, 1 बाई फाइव कॉस एक्स बाई फाइव, ऑप्शन सी हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखिए तो थर्ड नंबर आप लोग क्या मांग के आए थे, कॉस 2x, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था। तो अब आप लोग यहां पर देखेंगे cos का फंक्शन 2x के साथ है, तो इसका भी तो हो जाएगा ना, माइनस में साइन 2x हो जाएगा, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2x। देखिए तो ऑप्शन सी सही रहेगा आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे फोर नंबर, टैन का बताइएगा क्या होगा विद्यार्थी, टैन एक्स, तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो यहाँ पे टैन का फंक्शन एक्स बाई थ्री है, तो फंक्शन तो वही रहेगा आपका, यानी आपका हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स बाई थ्री, और एक्स में वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई है, 1 by 3 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 by 3 से का स्क्वायर x by 3, 1 by 3 से का स्क्वायर x by 3, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन का आप लोग मिलाइएगा यहां पर। चलिए फाइव नंबर में x टू दी पावर 4 by 4 कुछ नहीं, एकदम आसान काम था, x टू दी पावर 4 by 4, आप जानते हैं कि कांस्टेंट भी 4 तो 1 by 4 आगे रहेगा, और x के पावर 4 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 4x का पावर 3 हो जाएगा। यहां देखिए तो 4 टू 4 कैंसिल, कितना वैल्यू आ गया आपका, x का पावर 3 आ गया, x का पावर 3, अब x के पावर 3 x की,
ऑप्शन सी आपका सही रहेगा फाइव के लिए। सिक्स नंबर को समझ लेते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या है, log x टू दी पावर फोर है। log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x होता है। तो देखिए तो यहाँ पर log x का पावर फोर है, आपको फंक्शन log का क्या है x टू दी पावर फोर, तो आपका वैल्यू आ जाएगा पहले 1/x टू दी पावर फोर, और जब हम लोग x टू दी पावर फोर को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब से ही कटेगा, एक पावर नीचे बचेगा आपका, ऊपर में बच गया 4 और नीचे में बच गया x, 4/x। ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, 4/x इज a, 6 का कौन सा होगा a हो जाएगा। 7 में हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या है थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का जब डिफरेंशिएशन को आप छोड़ेंगे तो पहले तो पावर दो बाहर आके 2 साइन थीटा बनेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, और याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है साइन थीटा का, ऑप्शन मिलाइए जरा इसका, ऑप्शन देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी मिल जाएगा, साइन 2 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट नंबर क्वेश्चन देखिए तो एट नंबर में कॉस क्यूब थीटा का, अभी जस्ट देखिए हम लोग कॉस क्यूब थीटा को अगर हम लोग तोड़ने लगेंगे तो पहले क्या करना होगा, पावर थ्री आगे आएगा और थ्री कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और जब कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, आपको पता है ना इसी से स्टार्ट होने वाला जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनका डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा। अब इसको अगर सोल्व करके देखिएगा ये आपका कितना जाएगा, नेगेटिव साइन आगे थ्री साइन थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा, तो माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन थीटा। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी मैच कर रहा है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो नाइन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर था टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग देख रहे हैं कि पावर पहले दो आगे आएगा तो टू टेन एक्स बनेगा, और टेन एक्स का कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ऑप्शन मिला लीजिए जरा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज डी, ऑप्शन डी सही जाएगा आपका। टेन नंबर इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स के पावर 3/2 का, जब इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो पावर इसका एक बढ़ेगा ना, x के पावर हो जाएगा 5/2, एक जोड़ेंगे तो उसे डिवाइड कर देंगे 5/2 से, और प्लस क्या c लेते हैं, ये रिवर्स करेगा तो 2/5, और कितना x टू द पावर बोलिएगा विद्यार्थी 5/2, चलिए यहां हो जाएगा आपका 5/2 था, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 और x टू द पावर 5/2 प्लस c, ऑप्शन देखिए तो जरा इसका कौन सा मैच करेगा इसका, इसका ऑप्शन आ जाएगा 2/5 और x टू दी पावर 5/2 बी, क्लियर है, आगे बढ़ते चलिएगा मिलाते चलिएगा आप लोग, सिर्फ आप लोग को आज मैच करना है कि कौन सा मेरा सही जा रहा है कौन सा गलत हो रहा है, इस समय तो आप लोग को दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा, एकदम इजी पूछा है, जो बच्चे थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए होंगे क्लास में उनको तो दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा। 1/x का ही सब तो ऐसे ही बता दीजिएगा कि log mod of x होता है प्लस के, सी के जगह देखिए क्या करता है, कभी के लिख देगा कभी सी लिख देगा, तो इसमें नहीं आप कंफ्यूज कीजिए। इसके बाद sin x का हो जाता है, आप जानते हैं कि माइनस कॉस x, sin x का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, और प्लस हम लोग क्या लिखते हैं c लिखते थे, अब यहाँ पर c नहीं यूज करके k यूज कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे cos का रेशियो जो है वो निगेटिव में दिखना चाहिए, यहाँ फर्स्ट नहीं होगा, देखिए सेकंड नंबर क्या है घुमा के लिख रहा है, कॉन्स्टेंट हम लोग बाद में लगाते थे वो पहले लगा देता है, इसमें नहीं कंफ्यूज कीजिए। cos का यहाँ क्या हो जाएगा, तो फिर से इसका हो जाएगा sin, cos का हो जाएगा sin 6 थीटा, और देखिए तो यहाँ पर थीटा में 6 से मल्टीप्लाई है तो 6 से इंटीग्रेशन है तो डिवाइड कर देंगे, तो साइन देखिए 6 थीटा बाई 6 और इसके साथ कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट आप सी के जो भी लेना चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन देखिए 1/6 है ना, ऑप्शन इज डी के प्लस 1/6 साइन 6 थीटा, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आ जाएगा 13 के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेज पे क्वेश्चन नंबर 14, देखिए तो यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है tan 2x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log mod of sec x होता है, tan x का इंटीग्रेशन log mod of sec x, तो sec 2x हो जाएगा, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो आप जानते हैं कि बाहर जो उसे डिवाइड कर देंगे और प्लस क्या ले लेंगे c लेंगे, अब ऐसा ऑप्शन में मिला लीजिए जरा,
वह अपने ऑप्शन का फर्स्ट नहीं है सेकंड में देखे तो 1/2 log से qx plus k c की जगह क्या लिख रहा है k लिख रहा है हमेशा कभी c लिखेगा कभी k लिखेगा इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं x स्क्वायर का डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि x क्यूब बाई 3 बनेगा और लोअर टू अपर वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो 0 है और कितना है 1 है 1 का आप कुछ भी वैल्यू तो बने रहेगा तो 1/3 माइनस 0 0 दीजिएगा तो टोटल 0 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ गया 1/3 देखिए ऑप्शन इज फर्स्ट 16 नंबर 16 का क्या हो जाएगा sin x का आप जानते हैं इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं अब इसके डेफिनेट वैल्यू को देते हैं डेफिनेट वैल्यू 0 टू क्या है आपका 5/2 है जैसे ही आप 5/2 का लेंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा कि माइनस cos 5/2 और आप जानते हैं कि सबट्रैक्ट होता है देखो तो माइनस माइनस पहले ही से प्लस हो जाएगा और इस बार cos 0 हो जाएगा। अब यहां पर ये देखिएगा cos 90 का वैल्यू 0 ये टर्म तो टोटल आपका 0 बन गया और cos 0 का वैल्यू 1 तो आपका वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ऑप्शन देखें क्या हम लोग ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्लियर है ऑप्शन इसका बी होगा आगे देखें क्या हम लोग 17 नंबर एकदम टाइम नहीं लगना है अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे विद्यार्थी ने तो मुश्किल से आपको सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम समझाते चल रहे हैं ना इस वजह से आपको ज्यादा समय लगेगा आप लोग को सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करें तो डायरेक्टली दिख रहा है ई टू दावर एक्स का ई टू दावर एक्स ही रहेगा और डेफिनेट वैल्यू है तो 0 से सॉरी ए टू बी है तो अपर वैल्यू देखिए 3 टू दावर बी माइनस ई टू दावर ए ऑप्शन देखिए आप e to the power b minus e to the power a c dx है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है लोअर अपर वैल्यू अगर आप डालेंगे तो a to b की वैल्यू आ जाएगा b minus a वैल्यू कितना आ जाएगा b minus a a हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो गया x square by 2 x का इंटीग्रेशन कितना x square by 2 और 0 से कितना 1 अपर वैल्यू डालिए तो 1/2 आ जाएगा टोटल वैल्यू और ये तो 0 समाप्त हो जाएगा तो 1/2 ऑप्शन देखिए कहीं पे मिलेगा आपको 1/2 ही देखिए ऑप्शन बी आपका हो गया 90 तक क्लियर है आगे मिलाते चलिए इतने कम समय में हम लोग इसको क्लियर करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको हम समझाएंगे पूरे डिटेल में ठीक है वैसे भी आपको दिक्कत नहीं होना है सिर्फ आपको ऑप्शन मिलाना है और नेक्स्ट फेज का तैयारी करना है नेक्स्ट आप पेपर का तैयारी कीजिए अब इसमें आपको गलत हो रहा है सही हो रहा है आप इसको लेकर बैठ मत जाइए कि मेरा इतना गलत चला गया इतना मेरा सही जा रहा है या कुछ हो रहा है गलत हो गया या जो भी चला गया वो पेपर आपका चला जा चुका है अब आप उसमें कुछ मत कीजिए दिमाग ज्यादा मत लगाइए कि मेरा खराब चल गया अब हम दिन भर बैठ के रो रहे हैं रात में खाना नहीं खाएंगे कल का पेपर फिर गड़बड़ चला जाएगा आपका एकदम भूल जाइए जो भी हुआ कोई जरूरी नहीं है मेरा सब कुछ अच्छा गया पेपर अच्छा अब बस कोशिश कीजिए कि आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो आपका नेक्स्ट पेपर सही जाना चाहिए विद्यार्थी अगर नेक्स्ट पेपर सही चल गया रिजल्ट अच्छा बनेगा ना रिजल्ट हमको मेन टारगेट क्या आपका रिजल्ट अच्छा का बनाना रिजल्ट ठीक खराब हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस पेपर को मिलाने के बाद आप कंफ्यूज अच्छी नहीं कीजिएगा ना डिप्रेस मत हो जाएगा कि मेरा गलत हो गया आप बहुत सोच रहे हैं बैठ के हो गया तो हो गया अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे अब कुछ बदलने वाला नहीं ना है हम सिर्फ आपको मिलवा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप कितना सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग 20 तक करते हम लोग 90 तक देख चुके थे ना 90 तक देख चुके थे हाँ 116 का हो गया था 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का आपका देखिए तो एकदम आसान है करना क्या है आपको सबसे पहले एक ऊपर को तोड़िएगा ना तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा और नीचे में आपका x माइनस 1 इससे ही कैंसिल हो गया वो आ गया आपका x प्लस 1 इंटीग्रेशन है तो आप जान रहे हैं कि x स्क्वायर बाई 2 1 का x होगा और प्लस c ऑप्शन देख लीजिए एकदम आसान है सिर्फ आपको देखते चलना ऑप्शन इज बी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं tan x का अभी देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे दिमाग लगाने बनाने लगे बनाने में देखिए क्या टाइम जाने वाला है इसमें दिमाग लगा कि tan x का इंटीग्रेशन log mod of sec x हो जाएगा अब इसके बाद लोअर टू अपर वैल्यू डाल देंगे माइनस पाई से पाई डाल देंगे माइनस पाई टू पाई अब बनाने में टाइम लगेगा दिमाग नहीं लगाना आप सिर्फ आप याद कीजिए जब आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया होगा उस टाइम बताया गया होगा कि tan x sin x सब ऑड फंक्शन है और माइनस ए से ए अगर रहता है और fx आपका ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है डायरेक्ट याद रखिए ये सब चीज प्रॉपर्टीज नहीं हम लोग बता देते हैं बच्चों को ताकि दिक्कत ही नहीं हो उन लोग को इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिए हमेशा आपको लाभ मिलेगा बहुत जल्द आप लोग विद्यार्थी एयरफोर्स का यहाँ पे लाइव क्लास चलेगा आपका है ना और जब भी आपको लाइव क्लास एयरफोर्स का एनडीए का करवाया जाएगा फ्यूचर सोल प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को दबाए रहेंगे, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत फायदा आपको मिलने वाला विद्यार्थी लाइफ में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का देख लेते हैं। देखिए अभी जस्ट हम लोग इस तरह का क्वेश्चन, जब भी आपके दिमाग में माइनस ए से, अब क्या बताना थोड़ी है, सिखाना नहीं है ना, अब सीखने वाला समय आप लोग का थोड़ी था, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए माइनस ए से अगर फंक्शन एफ एक्स दिखे, अगर ये ऑड फंक्शन है, देखिए साइन क्यू है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, आप लोग जानते हो कि ऑड फंक्शन कब होता है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई टू दी पावर एक्स प्लस, देखिए डिनोमिनेटर में है, ई टू दी पावर माइनस है, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ऐसे कम डायरेक्ट बता देंगे, इसका फर्स्ट आ जाएगा आपका, लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए ई टू दी पावर एक्स को तोड़िएगा ना, तो ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर टू एक्स और प्लस वन आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे, तोड़िएगा इसको, देखिएगा e टू दी पावर x, क्योंकि e टू दी पावर x नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव, एलसीएम ली, एलसीएम को ऊपर लेकर चलेगा और ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो e टू दी पावर x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस कितना वन, सिंपली आपको एक सरल अति में बता देते हैं। अब जैसे e टू दी पावर x को आप z मानेंगे तो ऊपर वाला ना मिल गया, तो ये आपको किस फॉर्म में बदल जाएगा, तो वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू डी जेड के रूप में आ जाएगा विद्यार्थी, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। अब इसका हो जाता है tan इनवर्स z, इसका हो जाता है tan इनवर्स z, और z का मान क्या है e टू दी पावर x, तो tan इनवर्स देखिए तो आ गया ना e टू दी पावर। आगे बढ़ते हैं इसका करते हैं, इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फोर कॉन्स्टेंट है इसका, देखिए तो यहाँ पर इसका फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर बताएगा e टू दी पावर कितना है 3x, तो 3 e टू दी पावर 3x हो जाएगा, और प्लस इसका कितना 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये आपका आ गया कितना 12 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c, 12 देखिए तो 12 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c, ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, क्लियर है ना, देखते चलिए आगे, 24 तक हो गया है, 25 नंबर क्वेश्चन मिलाते चलिए आगे देखेंगे। थ्री कॉन्स्टेंट है तो ऑलरेडी बाहर ही छोड़ दिया है, x के पावर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो पावर जानते हैं कि ऐड होता है, x के पावर 3 बाई 2 और यहाँ पे रिवर्स करेगा तो 2 बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बाई 3, 3 टू 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x के पावर कितना 3 बाई 2 और प्लस c, ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या, ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपका फॉर्मूले था, याद कीजिए ये फॉर्मूला किसका था, साइन इनवर्स का था, देखिए तो साइन इनवर्स x प्लस सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 देख ले, 27 देख ही लेते हैं, तो 27 आपका देखिए तो इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 2 तो पहले से बाहर है आपका, अभी 1 प्लस ई 2x का 4x स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1 बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट x, कुछ सोल्व कर लीजिए विद्यार्थी, एक काम कीजिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहले आगे बढ़ा लेते हैं, इसको कट कीजिए इसको। अब देखिएगा 27 नंबर, चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर है, 1 प्लस 4x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना था। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 2 तो कॉन्स्टेंट आपका बाहर हो गया, 1 बाई ये कितना हो गया 1 प्लस एक 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को आप इसको तोड़िए, एक काम कीजिएगा स्क्वायर के रूप में इसको लिख देते हैं, तो 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे और इसको एक काम करते हैं, 4x स्क्वायर आपका है 2x का होल, हां यहां पे 2x का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका dx हो जाएगा, आसान है ना, x पर तोड़ दिए। अब याद कीजिए प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया होगा, 1 / a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका होता है 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए और प्लस कितना c, बताया गया था ना, अब इसी पर इसको तोड़ेगा, तो 2 तो पहले ही से बाहर है मेरा, अब इसके बाद ये जो होगा 1 बाई ए, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 ही है, ये तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं विद्यार्थी, अगर डायरेक्ट करना चाहिएगा तो देखिए आप क्या लिखते हैं इसको, डायरेक्ट 1 प्लस x स्क्वायर आएगा तो टैन इनवर्स x, तो टैन इनवर्स कितना 2x, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो बाहर 2 से डिवाइड करना होगा, अभी 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 2x और प्लस कितना c, हम डायरेक्ट यहां पर देख रहे हैं क्योंकि तो कैंसिल हो गया, हमको तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, तो देखिए तो tan इनवर्स 2x प्लस c कौन है, c है tan इनवर्स 2x प्लस c। आगे बढ़ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा सा आपको कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन, यही करता है बच्चा लोग को खाली कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है, कहां पे चला गया,
नीचे। अच्छा यहाँ पे है ना, तो हम लोग देख रहे थे ठीक है, तो इसको कर दी। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाता है, तो ऊपर वन हो जाएगा और नीचे में आपका हो गया कॉस एक्स ठीक है ना, और कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो ये बदलेगा किस में, साइन में बदल जाएगा। और हम लोग को सिर्फ तब साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ जाता, वो पूछ सकता था इसे लेकिन घुमा दिया ना, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। देखिए तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी कहीं पे है, यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा है डी के माइनस कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर और डी एक्स का एक्स हो जाएगा थ्री एक्स प्लस के सी। देखिए तो थ्री एक्स प्लस के ऑप्शन ही जाए ए टू दी पावर एक्स, तो फॉर्मूले दिया थे ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएशन है ना, तो लॉग ए और यही इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड करके लॉग ए रहता, तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, देखिए तो कहीं पे है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्या 29:30 हो चुका है हम लोग का, अब देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहा है आपसे इसमें क्या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, अवकलनीय समीकरण का हल क्या होगा। बहुत ही सिंपल था इसका, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू कितना है जीरो। आप लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े होंगे, बहुत ही आसान काम था। हम लोग एक्स डी वाई को छोड़ देते हैं ऐसे, हम लोग हम लोग आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी ऑप्शन बी आई है ना। अगर देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे हो गया एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस में वाई डी एक्स, अब इसको सेपरेट करेंगे तो वन बाई वाई इंटू डी वाई और इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, जैसे ही सेपरेट हो गया इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ वाई और इतना इक्वल टू माइनस में लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता था विद्यार्थी। लॉग मॉड ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में आएगा तो छूटेगा, तो लॉग एक्स वाई और इतना इक्वल टू आपका सी आ जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू लिखेंगे ई टू दी पावर सी भी इसके कहलाएगा, तो आपका इक्वेशन का फॉर्म आएगा एक्स वाई इक्वल टू के फॉर्म में। ऐसे ही सब शॉर्ट में आपको जल्दीबाजी से दिखा रहे हैं, ये सब बनाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से समझा दो है ताकि आपको दिक्कत ना होता होगा। यहाँ पर देखिए तो आगे ना बताए थे ना कि एक्स वाई इक्वल टू सी आएगा। 32 देखिए तो ये आपको फॉर्मूला याद कीजिए, 32 का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले बताया गया था कि 1/2a, इसका दो फॉर्मूला लिखा जाता है लॉग मॉड ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c, और यही चीज रिवर्स करते हैं तो निगेटिव चिन्ह बाहर आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे ऐसा ऑप्शन है कि अगर इसको हम लोग तोड़ दे याद रखा 1/2 × a और log mod of x minus 1 by नीचे x plus 1, तो 1/2 log mod में इतना हम लोग को खोजना है कि ऑप्शन कोई मिल रहा है या नहीं, तो 1/2 log में देखिए x plus से ऊपर, जबकि ऊपर माइनस वाला हमको देखना है, तो माइनस वाला कौन सा आया था आगे ना माइनस वाला, यही चीज अगर उल्टा कर दे तो आगे निगेटिव चिन्ह होना चाहिए था जबकि नहीं था निगेटिव चिन्ह इसमें है ना, ये भी होता कब जब आगे माइनस का चिन्ह होता था, लेकिन नहीं था। आगे बढ़ते हैं जब हम लोग क्लियर है 32 के बाद देखिएगा 33 में अभी जस्ट आप लोग को देखिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 33 में था आपका देखिए तो 2 का स्क्वायर तोड़ दिया जाएगा, ये आपका है 1/dx/dx/x² + 2 का स्क्वायर तोड़ लेंगे और ये हो जाएगा कितना 1/a² + x² का 1/a, तो 1/a ये का वैल्यू 2 है 1/a tan इनवर्स x/a x/2 प्लस कितना c, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c ऑप्शन हम लोग को खोजना है, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c के जगह के लिए किया है ऑप्शन इज c। चलिए अब यहां पर देखिए तो e उसका वैल्यू करना है I dot j का, तो यहाँ पर याद कीजिए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया गया था कि I dot I क्या होता है, I dot j क्या होता है ना, I cross I क्या होता है और I cross j क्या होता है, बस ये छोटा 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 कंसेप्ट पर अगर यहाँ पर आप निकालने के लगेगा तो सब देखिए I dot I का मैग्नीट्यूड यहाँ पे I का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो यहाँ वन 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 में टोटल वन आ जाता है। ये सब चीज हमको शॉर्ट में सब लिखवाया जा चुका है, जब पढ़ाते हैं उस वक्त सब कुछ समझाते हैं कि सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट का मान वन होता है,
कितना होता है 1 होता है। अब इन लोग का डिफरेंट वाले का 0 हो जाता है, डिफरेंट होते तो 90 डिग्री का एंगल बना लेता है और cos 90 0 होता है, इस वजह से डिफरेंट वाला होता है डॉट प्रोडक्ट में उसका मान 0 होता है। ये सब चीज बहुत डिटेल था, हम उतना नहीं जाते हैं। हम लोग देखें कि i से j का डिफरेंट वाले का कर रहा है, तो i से j का जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इनका पहले तो हो जाएगा तो 6 हो जाता है, क्लियर है। लेकिन i का j के साथ जैसे ही डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ना तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा और जिस वजह से मल्टीप्लाई होकर टोटल 0 हो जाएगा, डिफरेंट वाला का 0 होता है, याद रखना है ये चीज को। आगे हम लोग करते हैं याद क्या करना, अब आप एग्जाम दे चुके हैं लेकिन भविष्य का तैयारी करना है। वैसे कहते हैं कि आप लोग को यहीं पर आकर थम नहीं डालना है कि यहाँ पे बस आए और थम गए। कहते हैं ना कि जब आप जैसे 12th का आप एग्जाम दे दिए, अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो आप रुक मत जाइए कि बस 12th में हमको करना था, आगे कुछ नहीं करना है। लाइफ में बहुत कुछ पाइए, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, है ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। बहुत अच्छा लाइव है विद्यार्थी, लेकिन हम लोग अभी उस मूड में नहीं है, अभी हम लोग जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने वाले के मूड में है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमको सबसे पहले क्या आगे बढ़ाना था, तो पहले आगे बढ़ा लेते हैं। इसका तो हम लोग देख चुके हैं कि इसका 0 होता है 34 का। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्या कर रहे हैं, डॉटेड प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट वाला है, तो डिफरेंट वाला तो ऑलरेडी यहाँ जैसे के में होगा तो 90 डिग्री के साथ cos 0 हो जाएगा और जिस वजह से ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। इस सब में टाइम नहीं लगना है, अब हम लोग को इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है। इसका जैसे ही डॉट प्रोडक्ट कराइएगा, तेजी देखिए सिर्फ डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो आप जानते हैं कि सिर्फ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता था आई जे के का। अब यहाँ पर जे और के वाला तो है ये नहीं, सिर्फ आई वाला है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है और इसका भी देखिएगा यहाँ का आई का कोफिशिएंट 3 है, तो सिर्फ यही दोनों मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब टर्म तो 0 हो जाएगा उसका, है ना, डॉट प्रोडक्ट में तो 0 होने के कारण वैल्यू सिर्फ 3 आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक कर लेंगे 36 का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 37 नंबर में क्वेश्चन था आपका आई प्लस जे प्लस के और 2i + 3j डॉट प्रोडक्ट का। आपको अभी जस्ट बताया कि जब डॉट प्रोडक्ट लाना तो सिर्फ आई और जे का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी 1 × 2 हो जाएगा, होगा ना, चलिए प्लस हम करेंगे 1 × 3 होगा और केवल आपका टर्म में नहीं है तो 0 हो जाएगा, 2 + 3 कितना 5 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए तो आपका नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि रूट अंडर में होता है 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, वैल्यू 4, 4, 8 और 1, 9 मान 3 आना चाहिए विद्यार्थी आप लोग को। ऑप्शन लीजिए हमेशा, अभी हम लोग को जो पंक्ति बोल रहे थे लाइन बोल रहे थे, बोलेंगे कि सर बोले भी नहीं पूरा, चलिए तो बोल ही देते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो जो तोड़ सके पत्थर को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम लोग शीशे की तलाश करेंगे जो तोड़ सके पत्थर को। वैसे ही पढ़ाई में भी जाती है, आप लोग ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो आपको भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहे, आपसे आपको सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। टैन इनवर्स का देखिएगा, बहुत अच्छा इक्वेशन था, हम लोग देख रहे थे कि टैन इनवर्स का, तो टैन इनवर्स का इंटीग्रेशन करिए, इसको जेड मान के बनाया जा सकता है, जेड मान के बनाइएगा ना तो आपको देखिए ऑप्शन इसका आ जाएगा विद्यार्थी i² / 32। ऐसे बना के देखिएगा तो इसको हम लोग जेड मानते थे, बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, तो जेड मान लेंगे तो टैन इनवर्स का आ जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, जेड वाला जेड का मान हम लोग मान लीजिए टैन इनवर्स x, पहले तो बदल देते थे, तो जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 ही रहेगा, x = 0 देने पर जेड का भी मान 0 और x = π/1 देने पर जेड का मान π/4 आ जाएगा। अब जब इंटीग्रेशन आप कीजिएगा ना तो 0 से π/4 पर आपको जेड का करना होगा और जेड का इंटीग्रेशन होता है z²/2। अब लोअर टू अपर वैल्यू इसका डाल के आप देखिएगा 0 से π/4 का, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, चर्चों को 16 × 32 हो जाएगा ना, π² / 32 तो 0 के समाप्त हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन का तो आ जाना चाहिए एकदम आसानी से, सिर्फ हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। a + b का मैग्नीट्यूड को, अच्छा a + b का मान कीजिएगा तो 3i जुड़ रहेगा, 3i और j वाला जुड़ेगा तो 3j हो जाएगा,
अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप रूट अंडर में 9 प्लस 9 कीजिएगा, 9 दो 18 हो जाएगा और हो जाएगा 3√2, 3√2 ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 देखिए, तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा विद्यार्थी। सदिश i प्लस j की दिशा में इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j। आप यूनिट वेक्टर जानते हैं कि n कैप होता था और वेक्टर n बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n होता था। तो जब इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो आप जान रहे हैं कि वेक्टर n i प्लस j ही रहेगा और नीचे में मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय देखें तो i प्लस j, i प्लस j बाय अवकलनीय समीकरण का हल पूछ रहा है आपसे। अवकलनीय समीकरण का हल देखिए तो अगर इसको सोल्व करिएगा तो सोल्व करने का इसका जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसका p का मान हो जाएगा 1, q का मान हो जाएगा 1, दोनों का p और q। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्यूशन को कीजिएगा तो if निकाला जाता है, if हो जाएगा इसका e टू द पावर p dx 1 dx है ना, e टू द पावर p dx, तो यहां पर आपका ये 1 आ जाएगा, e टू द पावर 1 into dx 1 का इंटीग्रेशन x e टू द पावर x हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो सॉल्यूशन का फार्मूला तो y into if equal to q into if dx और प्लस सी होता था y इंटू आई एफ का मान ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि क्यू भी आपका 1 है, dx प्लस सी की हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि जो भी वैल्यू निकाला जा रहा है वो आपको y बराबर निकाला जा रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि इसमें आपका वैल्यू नहीं है। अब हम लोग देखते हैं y e to the power x हटाएंगे तो y equal to आपका आ जाएगा 1 प्लस देखिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना c e to the power छूट गया था महाराज ऐसे सोनवा y बराबर 1 प्लस c e to the power माइनस एक्स आ रहा है। अब देखिए तो जरा इस तरह का ऑप्शन आपको खोजना है, c के जगह कुछ भी हो सकता है, तो 1 प्लस देखिए आ गया ना फर्स्ट नंबर पेज में आपको दिख रहा होगा कि a की जगह पे यहाँ पे c है, वैल्यू सेम टू सेम है, ये हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन देख लीजिएगा आपका अवकलनीय समीकरण, फिर देखिए यहाँ पे ये भी आपका डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का था, तो यहाँ पर हो जाएगा p का मान 2 q का cos x, q का cos x और if का मान आ जाएगा आपका कितना, तो if हो जाएगा e to the power 2x, e to the power 2x, जब सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग तो y into e to the power 2x और equal to q into यानी cos x into e to the power 2x और dx और plus c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो by part पे करना होगा e into v पे, e into v पे लिए टोटल से, तो अब हम लोग क्या करते हैं e into v पर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y into e to the power 2x equal to u बाहर, u बाहर यानी आपका cos x बाहर e to the power x का इंटीग्रेशन, b का इंटीग्रेशन करते हैं तो e to the power 2x by 2 फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, cos का हो जाता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन x और इंटू में फिर कितना इसका इंटीग्रेशन e to the power 2x by 2 और इसका फिर से री इंटीग्रेशन करना होगा विद्यार्थी। अभी दोबारा इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो आप आपको थोड़ा y इंटू e to the power 2x इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर कितना देखे तो 2x by 2 और यहाँ पे जैसे ही आपका बाहर हो गया साइन x और इंटू ई टू दी पावर 2x का फिर से करेंगे तो ई टू दी पावर 2x by 4 और प्लस c लेना होगा। लगता है कि साइड वर्क कट रहा था उसे हटा देंगे तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा आपका डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2 cos x
और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 1/4 साइन एक्स प्लस कितना 3। देखिए तो ठीक है ना, परफेक्ट कर दिए। हाँ तो y इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 1/4 sin टू दी पावर। इस डायरेक्ट आप देखें कि जैसे ही e टू दी पावर c के साथ e टू दी पावर माइनस x आ जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, जब से देख रहे हैं देखिए डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया e टू दी पावर c है, फिर दे दिया e टू दी पावर माइनस 2x cos x, इनमें से कोई नहीं होगा है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। जब इनमें से कोई नहीं है तो देखिए तो ऑप्शन तो नमक लिख दिया था आपका, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आपको दो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मिल दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे जे का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वाला सिस्टम आपको बहुत अच्छा से समझाया गया कि जैसे आई क्रॉस आई क्या होता है और आई क्रॉस जे क्या होता है, इसी दो चीज को समझना। तो आप जानते हैं एक्स वाई जेड प्लेन आप जानते ही होंगे कि आपका आई है, जे है और क्या है आपका के है। सिर्फ हम एक समझाते हैं, पूरा देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप आई से सब कुछ कीजिए, हमको किसको कराना है, जे से आई को कराना है। तो हम लोग यहाँ पर आई से पहले जे वाले को समझ लेते हैं, ये को समझिएगा कि हो जाएगा। आई से जे का कराइएगा तो आप जानते हैं कि आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड है ना, और इनटू साइन, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और इन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो आई और जे पर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है के। तो आप आई का जे से जैसे ही क्रॉस कराइएगा ना तो के मिल जाता है, क्या मिलता है के। अब हम लोग इसको सिर्फ एक से समझ के सब कुछ बना लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग ले लिए कि वेक्टर आई यहाँ पर जे और यहाँ पर के ले लिए। तो अगर आई को जे से क्रॉस प्रोडक्ट कराइएगा तो आगे बढ़ के मिल जाएगा, जे से के का कीजिएगा तो आई मिल जाएगा, के से आई का कीजिएगा तो जे मिल जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन चल रहा है, यहाँ पर देखिएगा जे से आई का कर रहा है, जे से किसका कर रहा है आई का, उल्टा डायरेक्शन मिल रहा है। तो जे से आई का कीजिएगा तो पीछे जाके आपको के मिलेगा, लेकिन वो किसमें मिलेगा तो माइनस निगेटिव में मिलेगा, माइनस के मिलेगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, और जे से आई में हो रहा है इस वजह से माइनस के आ जाएगा। और देखिएगा तो माइनस 20 के कहीं पे आपका ऑप्शन में होना चाहिए, माइनस 20 के डी है ना। आगे बढ़ते हैं 45 कह रहा है कि मूल बिंदु से इसका दूरी कितना होगा। बहुत ही सिंपल था, मूल बिंदु से आप लोग जब भी प्लेन वाला पढ़े होंगे इसमें समझ जाओगे कि डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन को पहले लेफ्ट साइड में लेकर चल जाते हैं। तो ये 2x माइनस 3y और प्लस कितना 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस dy प्लस c प्लस d इक्वल टू 0 का फॉर्म में आ गया। अब इसका दूरी निकालना है मूल बिंदु से, तो बहुत ही सिंपल काम है कि आपको मूल बिंदु x y z की जगह 0 से पूछ रहा है, आपको 0 से 0 मूल बिंदु से पूछ रहा है उस प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है कि मूल बिंदु को इसके इक्वेशन में डालना होगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2 × 0 देगा तो टोटल बिंदु 0 लिखे क्या, इसको देखिएगा ऊपर में ये 0 हो जाएगा, फिर आप कहीं भी 0 टर्म होगा, जेड वाला टर्म 0 क्योंकि एक्स वाई जेड की जगह 0 पुट हो रहा है, माइनस 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा डिवाइड बाय में नीचे होता है मैग्नीट्यूड, नॉर्मल का देखेंगे डायरेक्शन यहाँ 2, 3 और 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो ऊपर में आपका आ जाएगा मॉड में आता है डिस्टेंस है ना दूरी, तो मॉड में रहेगा। तो आपका वैल्यू ऊपर आ गया विद्यार्थी -6/√2 में टोटल वैल्यू कितना 16 और 9 25 4 29 हो जाएगा। अभी मॉड में है तो देखिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6/√2 29 इज सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 45 46 नंबर। चलिए इसका आंसर भी देते हैं, आप लोगों को पता ही होगा मार क्या होंगे तो ऑलरेडी दिख रहा है 4/20 है ना cos इनवर्स। आप लोग जानते हैं इस तरह के एंगल निकालने के लिए इनका सिर्फ डायरेक्शन a1 a2, हम लोग दो प्लेन के बीच का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर दिखेगा डायरेक्ट इसका cos थीटा इक्वल टू फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट दिखेगा 2 और इसका 3 है तो 2 × 3 प्लस कितना 1 है इसका रेशियो, और इसका रेशियो सेकेंड का -6 है, -6 फिर प्लस में कितना विद्यार्थी -2 और इनटू में यहाँ पे आपका -2 है, जेड का भी इसका भी कितना है -2 है। अभी डिवाइड बाय में देखे तो नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर √4, फिर 1 का 1 ही रहेगा, -2 का 4 हो जाएगा, इसके बाद √ इनटू में रहेगा दूसरे वाले प्लेन का डायरेक्शन रेशियो से। देखिए मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 3 का 9 आ जाएगा, -6 का 36 आएगा और इसका 4 आ जाएगा, -2 का कितना 4 आएगा। देखिए तो टोटल वैल्यू ऊपर कितना आ जा रहा है, डायरेक्ट देखिएगा 3 × 6 हो जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका कितना 4 आ जाएगा और नीचे देखे तो ये कितना 4 4 8 9 तो 3 आ जाएगा रूट से बाहर, 45 और 49 आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। देखिए तो 4 by 21। अभी cos थीटा बराबर, तो थीटा बराबर cos इनवर्स में आ गया ना, थीटा इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स 4 by 21। ये सब चीज आप जब सीखोगे तो उसको ढंग से सीखोगे, ये सब ऑप्शन सिर्फ आप मिलाते चलिए आगे देखिए तो 47 नंबर। एक तो एकदम आसान है, आपको सब कुछ सामने ही लिख लिया है, कह रहा है कि इस अनुपात डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और डायरेक्शन रेशियो दे दिया है। आपको पता है कि यहाँ पर आपको एबीसी का वैल्यू दिया है और आपको एलएमएन का वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है, 2 -1 और -2। तो आप लोग जानते हैं कि एल बराबर, या जब भी निकालना होगा डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में बदलना होगा, तो एल बराबर फार्मूला होता है ए बाई रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का वैल्यू हो जाता है एल का बी बाई रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर तीसरे वाले का जब एल का मान एम का मान निकालेगा एल एम, तो इसका हो जाएगा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको पता है थ्योरी से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम डायरेक्ट मिलाते हैं 2 by 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 - 1 का आ जाएगा 3 आपका 1, यहाँ पे 9 आएगा तो रूट अंडर में ये वैल्यू नीचे 3 आने वाला है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 3 से सबको डिवाइड कर देना है, बहुत ही आसान काम था। सिर्फ हम इसको वर्ग करके पहले पूरा निकाले, फिर इसका तो 4 वर्ग और 4 आ जाता तो वैल्यू 3 आ जाता। अब कुछ मत कीजिए, आप 3 से सब भागा दे दीजिए और मिलाइए कि सेम टू सेम वही वाला कौन आता है, तो 2 by 3 मिल रहा है, -1 by 3 मिल गया, -2 by 3 ऑप्शन ए मिल गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सब डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है आई जे के का। देखिए तो इसका वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, 4 से कीजिएगा तो -8 और फिर 2 से वहां से करेंगे तो +10 0 हो गया। ऑप्शन नीचे आगे बढ़ते हैं, e^x, ये आप जान रहे हैं कि बाय पार्ट पे टूटेगा इंटीग्रेशन, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, देख लीजिएगा e^u(v) पर आप जानते हैं कि u बाहर v का इंटीग्रेशन e^2x/2 बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि जैसे माइनस यू का डिफरेंशिएशन हो e^2x का वही रह जाएगा और फिर से इसका री इंटीग्रेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको हटा दीजिए, देखिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये आपका हो गया x e^2x/2 और यहां पर आ जाएगा फिर से e^2x/4 कितना जाएगा e^2x/4। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखिए अब प्लस सी लिखेगा, ये थोड़ा सा सोल्व करके दिया है, आप यहां से कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिएगा तो e^2x/2 कॉमन होगा इसका, तो यहां से बच जाएगा आपका कितना एक्स और माइनस में 1/2 बचेगा और प्लस कितना सी, सोल्व कीजिए e^2x/2 और इंटू में आ जाएगा आपका 2x-1/2 प्लस सी, अभी 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो e^2x/4 और e^2 कितना आ गया। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन में आपको मिलेगा e^2x/4 2x-1 प्लस के ऑप्शन लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसको 15 नंबर, देखिए तो 15 नंबर का रहा है कि यदि किसी रेखा के दीर्घ को जाए इतना दिया हुआ तो x का मान कितना होगा, x का मान निकालना था। आप लोग जान रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन का हम लोग रूल जानते हैं कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका वैल्यू 1 होता है, बहुत ही आसान काम था, सबका वैल्यू को स्क्वायर करके फिर कर दिया जाएगा आपका 9/77 या 4/77 27 और प्लस x^2 यहाँ से x^2 का वैल्यू निकाल लेना है, x^2 का वैल्यू निकालिएगा विद्यार्थी तो आपका आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 8/77 आ जाएगा, देख लीजिएगा 64 ऊपर आएगा रूट से बाहर आके वही आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले ही क्या गया, अगर एक चीज आप लोग ध्यान देंगे तो ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट वाला है, इसमें देखिएगा दो वेक्टर इस तरह से देगा कि डॉट में भी दिख रहा है और क्रॉस में भी दिख रहा है, कंफ्यूजन बढ़ता है ना कि कौन वाला पहले कराया हम लोग, तो इसमें आप एक चीज देखिएगा कि ऑप्शन जो आपको दिख रहा हो इससे भी आप समझ जाइएगा
ऑप्शन जो दे रहा है वो स्केलर वैल्यू दे रहा है, और ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल ही था कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराता था, यानी जो मान आता था वो स्केलर ही आता था। तो पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट करा लेना है और उसके बाद इसमें क्या करना होगा, डॉट करा लेना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराने का रूल तो आप लोग ऑलरेडी जानते भी जाते कि आई जे के लिखते थे, इसका कोफिशियंट लिखेंगे तो वन, इसका माइनस वन वन आ जाएगा, इसका करेंगे तो वन टू माइनस वन आ जाएगा। यहाँ से करवा लेते थे ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू आई के साथ, देखिएगा तो आई के साथ आ जाएगा आपको यहाँ पे वन माइनस टू माइनस वन, तो माइनस आई, माइनस जे के साथ कितना माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस टू जे, और के साथ आ जाएगा टू प्लस वन थ्री आ जाएगा, तो कितना थ्री के आ जाएगा। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, तो वन के साथ माइनस वन आएगा तो माइनस वन, वन के साथ टू होगा तो टू हो जाएगा, और यहाँ वन के साथ थ्री होगा तो आपका थ्री आ जाएगा। देखिए तो वैल्यू आपका आ गया थ्री टू फाइव माइनस वन फोर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट करा लेते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आने लगता है, इसलिए गलती हो जाता है वहां पर। आगे बढ़ जाइए आप लोग, देखिए तो यहाँ पर आपका हाँ कह रहा था कि इस तल के डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इस हाँ इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको थ्री फोर फाइव, एन होता था एन वेक्टर एन, यहाँ पर थ्री फोर फाइव देखिए, थ्री फोर फाइव डायरेक्ट देखिए तो थ्री फोर फाइव इज कौन, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से कौन तल एक्स बराबर जीरो के समानांतर है विद्यार्थी, फटाफट बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए x बराबर जीरो तल के आपका z इक्वल टू फाइव समीकरण हो जाएगा, आगे देख लेते हैं 55 इस तल के, ऑलरेडी आप लोग पिक करके आ चुके हैं। देखिए तो इस तल के समानांतर एक तल का समीकरण बताता है, देखिए समानांतर तल में क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो सेम दिखना चाहिए आपको दोनों का, तो यहाँ दो माइनस तीन चार अब ऐसा देखेंगे हम लोग, दो माइनस तीन और चार देखिए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि चार माइनस में जबकि यहाँ क्या है प्लस में, तो ऑप्शन सिर्फ हमको यहाँ पर देख रहे हैं दो, देखिए तो यहाँ पर मिल गया दो प्लस में थ्री माइनस में और फोर भी प्लस में है, कॉन्स्टेंट तो टर्म कुछ भी हो सकता है ना, तो के जगह पे वैल्यू निकालने पर आता है, तो वहां क्रूस प्लेन का पैरेलल प्लेन वह भी है जो आपको प्लेन पैरेलल मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी हम लोग, और इसका देख चुके हैं 55 56 नंबर, जैसे जैसे वीडियो खत्म होगा ना सर जी लाइव सब करते जाइए धीरे धीरे माइक पहले दिए पहले सही और खड़ा करवा दिए धीरे धीरे सब कीजिए। आगे देखते हैं इस तल पर लंब का समीकरण पूछ रहा है विद्यार्थी कौन सा होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन ए आगे है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो जीरो आ जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन टिक करते चले जाएंगे, ऑप्शन देखिए इसका जीरो मिला डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए जानते ही है किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दीजिए वैल्यू जीरो आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, जानते हैं ना ऐसे प्लस माइनस प्लस देकर सॉल्व करने वाला ऐसा सॉल्व कर देना है, जैसे फोर इंटू फोर जिस रो कॉलम से उसको क्लोज कर देंगे हो जाएगा माइनस फोर प्लस फोर्टीन है ना, इसको माइनस प्लस फोर्टीन इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे माइनस वन इंटू कितना हुआ माइनस वन इंटू तो जीरो प्लस वन हो जाएगा मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में सब में हो जाता है 15 18 और फिर कितना 21 आना चाहिए 15 18 21 और 24 सी टू से कीजिएगा इसमें तो आप जाना है कि टू फोर और सिक्स एट आना चाहिए, टू फोर सिक्स एट है कहीं पे, टू फोर सिक्स है डी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे देखेंगे 61 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने वाला जानते हैं कई तरीका से इसको पकड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई को करते देते ये दो बाई दो का है और मल्टीप्लाई जो करना है वो आपको टू बाई वन में करना है, एक चीज क्लियर होना चाहिए कि दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन आपको आना चाहिए टू बाई वन का, तो हमको सबसे पहले टू बाई वन में ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि टू बाई वन का नहीं है तो पहले ही गलत हो रहा है,
अब इसके बाद देखेंगे हम लोग विद्यार्थी कि 2/2 का है, फिर भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि मेरा रिजल्ट 2/1 का, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट हम लोग समझ के सारी गलत काटते हैं क्योंकि हम लोग इसको समझते हैं। अब इसके बाद ये ऑप्शन में 2/1 में दो बुक हो गए, अब हमको यहाँ पर पकड़ना होगा तब। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई रो से कॉलम में होता है और एड होता है, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस में हो जाएगा कितना 50 है ना, हाँ तो ये होगा 250, तो आ जाएगा 260, वैल्यू कितना आ जाएगा 260। और इसके बाद इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा 40 और प्लस में हो जाएगा कितना 500, तो 540 आ जाएगा। देखिए तो 260 और 540 जीबी आ गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज 62। चलिए यही क्वेश्चन तो ऐसे आपको इसके वैल्यू पूछ रहा है, वैसे भी आप इस क्वेश्चन को गलत काट दीजिएगा। अगर मैट्रिक्स दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है तो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू क्वेश्चन में गलत दे रहा है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स हैज नो एनी डेफिनेट वैल्यू, उसका कोई भी आंकी मान नहीं होता। लेकिन यही अगर डिटर्मिनेंट होता तब इसका ऑप्शन कितना आता, डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग 2 लेते हैं, इसको जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो 0-20 आ जाता है, 0-20 आ जाता है। इसके बाद --+3 यहाँ पे कितना आ जाता है, -47 हो जाएगा और -42 और फिर कितना आ जाएगा देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका --+3 माइनस में आपका आ गया यहाँ 42 47 और -4 आ जाएगा ठीक है। अब इसके बाद 5/2 कर देंगे, 5/2 बस एक क्वेश्चन गलत है और ये हो जाएगा कितना 38 into 3 आपका आ गया 24 दो आ जाएगा 11 आ जाएगा 1/14 आ जाएगा प्लस में 1/14 और नेक्स्ट कितना आ जाएगा और प्लस में 150 कितना आ जाएगा 150 ये जाके आपका कितना 5 आ जाएगा आपका 4 6 और 1/2 आ जाएगा और माइनस में 40 आपका आगे देखिए तो 40 सब्ट्रैक्ट जैसे ही कर दीजिएगा इसमें 40 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 2 to 4 आना चाहिए। ऐसा कोई अच्छी नहीं है, एकदम पूरी तरह से है कि इनका गलत दे दिया, पूरी तरह से ऑप्शन आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। चलिए यहाँ पर देखेंगे इसका एडजॉइंट निकाले भी आप लोग जानते थे ना, एडजॉइंट कैसे निकलता था, एक पहले मैट्रिक्स हम लोग मानते थे ठीक है बी, जो ए के कोफैक्टर से मिलता था, तो 2 का कोफैक्टर 4, 3 का -1, 1 का -3 और 4 का 2 और एडजॉइंट जो होता है वो बी का ट्रांसपोज हो जाता है, एडजॉइंट एक होता है वो बी का ट्रांसपोज होता था 4-1, -3 और 2 ऐसा ऑप्शन आपको देखना है 4-3, 4-3, -1 और 2 ऑप्शन ही ए। आगे बढ़ते हैं 64 आपका कितना हो जाएगा, हाँ तो 64 में कह रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होना था, तो इसका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dx थीटा का मान हो जाएगा -a sin थीटा और उसका जब निकालेगा इसका आ जाएगा a cos थीटा यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो डिवाइड x किसके बराबर हो, इसका तो हो जाएगा 280 और इसका भी हो जाएगा आपका 2a, जब डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 आना चाहिए, डिवाइड x 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना था, ऑप्शन देखिए तो कौन सा मैच कर रहा होगा आप लोगों का, डबल डिफरेंशिएशन करना था पहले तो आ जाएगा 2x+3 और जब इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा और
ऑप्शन डी। ये इसको आप लोग जानते भी जाते कि साइन कॉस को बदलना होगा कॉस में, तो कॉस 90 माइनस, तो कॉस इनवर्स लिखा जाएगा कितना, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस वन। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बहुत ही ईजी, देखिए एक बार जब हम यहाँ क्लास में टेस्ट लिए थे 12 वाले का, तो एक क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना, और वहाँ पे आपको इस चीज के बारे में समझाया जा रहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो हम लोग देखते थे ना एलपी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको एक दिखने के लिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी आपको बताया जाता था, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मिनिमाइज। तो देखिए तो विद्यार्थी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में यहाँ पर आपको लिखवाया जा रहा था, तो वहाँ पर लिखवाया जाता था कि जेड बराबर जो भी इक्वेशन होता है वो जेड बराबर दिया जाता है ना, जो भी आपको मैक्सिमम करने के लिए मिनिमम कर, क्योंकि बाद में फिर ना इक्वेशन रिलेशन देता था कि एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू होगा समथिंग समथिंग जो भी देगा, तो ये सब सब्जेक्ट कहलाता था, लेकिन यहाँ आपका ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ जेड बराबर जो भी टर्म दिख रहा है वो दिख रहा है, दिख रहा था यही आपका होगा उद्देश्य फलन। आगे देख लीजिए जरा, मिला लीजिएगा, हम लोग चलते हैं। इन अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतम मान कौन सा होगा, कौन सा होगा विद्यार्थी, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान दिखाना, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक निकालने का, इसका पॉइंट निकालिएगा तो एक का आएगा 07 और एक आ जाएगा 70 और एक तो आपको 00 मिलने वाला है। हम लोग को तो दिखाना है न्यूनतम मान मिनिमाइज, तो न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू पूछा है कि क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर चलना है इसमें वैल्यू जैसे ही डालेगा तो और सब मान में बढ़ेगा, लेकिन 00 देने के बाद में आपका 00 आएगा, तो ऑप्शन इज सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो कह रहा है कि इस अवरोधक के अंतर्गत, चलिए टाइम ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस अवरोधक के अंतर्गत इसका अधिकतम मान बताना है, तो एक मान आपका इसका जैसे ही निकालिएगा ना तो आपका ये आपका 06 आ जाएगा, और एक मान जैसे ही वाई को 0 करेंगे तो आपका 10 और 0 आ जाएगा। हम लोग को मैक्सिमम दिखाना है, एक तो 00 मिलने वाला है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू या गति दिखाना है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को अधिकतम मान दिखाना है, तो अधिकतम मान दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा विद्यार्थी, इस वैल्यू को डाल के देखना होगा कि अधिकतम से अधिकतम कौन सा हो रहा है, आप यहाँ पे मैच करेगा 06 जैसे इसमें दीजिएगा तो एक तो 6 आ जाएगा, एक का देंगे तो 10 आ जाएगा, तो आपको अधिक कौन है 6 है कि 10, तो 10 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका पावर 8 बार, 8 बार इसको गुणा करना था, गुणा करने के लिए आप लोग जानते हैं इसलिए आपको ज्यादा टाइम ना लेंगे, इसका ऑप्शन ये आएगा, इसको क्या कर दीजिए ये नहीं होगा, ये ना देख लेगा कि 8 बार करना है तो ये वाला आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब करके देखिए नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है विद्यार्थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, प्रॉपर्टी नहीं लिख पाया गया पाई बाई 2, ऑप्शन इज बी। इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है कोसेक इनवर्स 2 का, तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाई 6, कोसेक इनवर्स 2 कहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 70, हाँ अब देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा कट गया, शायद 74 ही आता है ना, कितना था, हाँ 73 74 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 70 आपका 4 ऐसा है, 74 ही था ना, 70 70 73 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
हुआ है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर बाय AOB इक्वल टू AOB मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन है A स्टार B, या भी कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है A स्टार B, तो आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि AOB के बारे में इसको समझ लीजिएगा, पहले बहुत ही आसान था, आप एकदम आसानी से बना सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आप लोग जानते हैं कि कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर अपने मन से लेना होगा ना, तो आप एक दो तीन चार कुछ ले लीजिए, उसी पर चेक कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि वन का अचीव अगर एक और दो लेते हैं हम नेचुरल नंबर, वन और टू देखिए तो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो अगर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब का मान जो होगा, या 2 का क्यूब
और 118 के बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव हो गया आपका, क्रम विनिमय हो गया, है ना, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब दिक्कत तो यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव एक ऑपरेशन हो गया। अब हमको एक और चेक क्या करना है कि क्या यह सहचर नियम को बिल्कुल उसको फॉलो करेगा। तो हम तीन नंबर पर चेक करेंगे, जैसे 1, 2 और 3 तीनों देखे तो आपका 1, 2, 3 नेचुरल नंबर ले लेंगे। अब इसके रूल को फॉलो करके दिखाएंगे, जैसे इस रूल को फॉलो होता है कि नहीं, तो आप एसोसिएटिव का में जानते हैं कि 1 into बाइनरी ऑपरेशन देते हैं, ओके देना है ना, 1 into 2 अगर हम लोग इनका करके और तब 3 के साथ करें और 1 का बाइनरी ऑपरेशन 2 और 3 के साथ करके तब 1 के साथ करें, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम होगा विद्यार्थी? यहाँ पर अगर इसको हम निकालें देखिए तो क्या दोनों वैल्यू सेम होगा? तो अगर इसको आप चेक करेंगे तो आप इसका बाइनरी ऑपरेशन निकालेगा तो रूल से निकलेगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा। और इसका बाइनरी ऑपरेशन करना है किसके साथ, 3 के साथ, हो जाएगा 9 बाइनरी ऑपरेशन विद 3। अब इसका उसके रूल के थ्रू पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि हम समझ रहे वहां हमको इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब करके जोड़ना होगा। आगे देखते हैं इसमें, अब इसमें करना क्या होगा कि 1 का बाइनरी ऑपरेशन पहले 2 का क्यूब और प्लस कितना 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना होगा, दैट इज टोटल 2 का क्यूब आपका आ गया कितना 8 आ जाएगा, यहाँ 3 था ना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27। अब देखिए तो जैसे ही आपको 1 बाइनरी ऑपरेशन कितना 9 8 17 35 हो जाएगा, ये आपका 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 27 का 35 आ जाएगा। तो 1 का 35 के साथ बाइनरी ऑपरेशन करना है और 9 का इसके साथ करना है, तो ये कभी भी आपको सहचर नियम को फॉलो नहीं करेगा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्लियर है कि हमारा वैल्यू कम्यूटेटिव तो होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संक्रिया क्रम विनिमय है लेकिन सहचर नहीं है। आगे बढ़ जाइए, ये सब क्वेश्चन में बच्चे लोग डाउट हो जाते हैं इस वजह से। और देखिए थी आपको जब से जब यहाँ पे फंक्शन चालू हो रहा था उस टाइम आपको सब हाँ बताया जाता है, फटाफट चलिए अब हाँ, 1 घंटा का वीडियो हो गया, बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है ना। इसमें एलिमेंट 3 हुआ है तो 2 का क्यूब 2 के पावर n फार्मूला होता है, तो 2 के पावर 3 कितना आना चाहिए, 2 के पावर 3 दे दिया है, लेकिन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट x का इसका इंटीग्रेशन कर लिया होंगे विद्यार्थी, x के पावर 1/2 है तो यहां जाएगा x के पावर कितना 3/2 भाई 2/3, और यहां पर आप लोग लोअर अपर वैल्यू डाल दीजिए, 1 से कहां तक 4 तक, 2/3 के बाहर है, ये हो जाएगा कितना 4 के पावर 3/2 माइनस 1 का पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही रहेगा, 2/3 और ये हो जाएगा 4 root 4 यानी 4 into 8 - 1 आ जाएगा 8 - 4 root 4 n 8 - 1 7 7 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी 14/3। देखिए तो ऑप्शन कहीं है क्या 14/3 ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए कितना हो जाएगा इसका 77 का, इस तल के कारण के समानांतर रेखा इनका क्या होना चाहिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, करेंगे यदि तल इतना के समानांतर रेखा इतना हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा इस समानांतर रेखा है तो इनका देखिए ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियोज के साथ यहाँ पर देख रहे कि यहाँ ए है बी है इसी है, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसका, तो अगर समानांतर तल थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, एक तल और ये रेखा है जो इसके समानांतर है, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो एबीसी दिख रहा है इस तल के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है एबीसी, और नॉर्मल इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ एबीसी जो होगा इसके डॉट प्रोडक्ट के साथ मान 0 आना चाहिए, यानी वैल्यू आपका ऑप्शन में कहीं पे अगर 3a + 4b + 6c अगर इतना बराबर 0 दिखता है तभी ऑप्शन आपका होगा। देखिए तो जरा ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है 3a + 4b + 6c = 0 ऑप्शन सी मिल गया ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा होगा आप लोगों के, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इस रेखा के समानांतर बताना है, यदि दो रेखा समानांतर है तो दो रेखा जब समानांतर होते हैं विद्यार्थी, रेखा वहां प्लेन था यही चीज ध्यान में रखना,
ये प्लेन, वहां प्लेन था ना, ये रेखा दोनों दे दिया है, तो रेखा से बनाते रहोगे, जब इनका डायरेक्शन ऑफ स्विच k1 / a2 equal to b1 / b2 equal to c1 / c2 होता है। तो यहां पर देखिए a / 4 या 4 / a दे दिया आपका है, a / 4, b / 2 और c / 3, ऑप्शन सी। लेकिन आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, तो इसका मान 0 आ जाएगा विद्यार्थी 79 का, देख लीजिएगा बनाकर आ जाएगा। अभी जस्ट हम बताए थे कि पहले क्रॉस कराएंगे उसके बाद डॉट कराएंगे, 0 आ जाएगा। अब इसका मान देखें तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी, टेन इनवर्स का, ऑलरेडी आप लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला मान जानते हैं, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई होता था ना, इसी फॉर्मूला पर इसको सोल्व कर देना था। तो हो जाएगा कितना, 1/7 प्लस 1/13 और डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। देखिए तो वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा आपका 13 और 7 3 देगा जो ऊपर हो जाएगा आपका 13 प्लस 7 यानी आपका 20/91 और यहाँ हो जाएगा 90/91 इसे कैंसिल 20/90 कैंसिल 2/ कितना 9, अभी थीटा बराबर निकालेगा तो आपका आ जाएगा कितना 10 inverse 2/9 10 inverse 2 by 9 देखिएगा जरा कौन सा हो जाएगा 10 inverse 2 by 9 बी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 2 10 inverse x का, इसका तो डायरेक्टली आप जान रहे हैं कि 10 inverse का ही फॉर्मूले है, 2 10 inverse x का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी 10 inverse 2x by 1 minus x स्क्वायर। जब इस फॉर्मूला पे x का मान इतना है तो डायरेक्ट इसको जब सेट कीजिएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स कितना 2 × 1/2 / 1 − 1/4 ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल होकर tan इनवर्स कितना आ जाएगा ऊपर में 1 और 4 − 1 = 3/4 आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 ऑप्शन इज बी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स में आपका 4/3 आ जाएगा, tan इनवर्स बी। आगे बढ़ते हैं, आपको जितना जल्दी जल्दी करवा देते हैं, 2 घंटा ही और भी स्वतंत्र है तो आप जानते हैं सब तो पट्टी है विद्यार्थी, सब बताया जाता है जब आपको प्रोबेबिलिटी बताया जाता है कि इंटरसेक्शन पी ए टू पी बी के बराबर होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए 83 देखिए, तो एक सब क्वेश्चन आप बना चुके होंगे, ए बी पी बी पी ए बाई बी पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई बी बी होता था और पी बी का मान 0 होने के कारण अनडिफाइंड लगा, पी बी का मान 0 है तो वैल्यू क्या होता है अनडिफाइंड का परिभाषित, तो ऊपर जैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय 0 पुट कीजिएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो गया अनडिफाइंड। अगर जी देखिए तो नेक्स्ट 83 हम लोग देख चुके, 83 का आपका परिभाषित था सी। 84 मल्टीप्लाई करना था विद्यार्थी तो कर चुके होंगे आप लोग, मल्टीप्लाई रो से कॉलम में करते हैं तो 70 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 0 और 6 हो जाएगा कितना 6 0 माइनस 1 0 0 0 हो जाएगा टोटल और यहाँ 0 और माइनस 1 माइनस 1 देखिए तो 7 6 0 माइनस 1 7 6 0 माइनस 1 इससे। आगे बढ़िए 85 कह रहा है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो पी और इसका वैल्यू दिया हुआ है तो पी बी का मान कौन सा है, पी बी का मान 1/5 आना चाहिए विद्यार्थी। इस तरह का फॉर्मूला आप लोग देख चुके होंगे, याद कीजिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला सब बताया गया है, पी ए यूनियन बी इतना बराबर बताया गया था है ना, ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो आप जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी टोटल के प्रोबेबिलिटी वाला से और यहां से वैल्यू पी ए पी बी का सबका मालूम है, यूनियन का भी मालूम है 3/5 कितना 5 और इधर इस पर तो पी ए का मान 1/2 पी बी का मान पी और देखिए इंटरसेक्शन वाला टर्म यहां पे समझना है आपको, इंटरसेक्शन वाला टर्म में आप जरा देखिएगा कि पहले ही इसीलिए आपको ये लिख रखा था कि ए और बी आपका क्या है स्वतंत्र घटना है, तो जब ए और बी आपका कह रहा था कि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए का वैल्यू दे दिया था यहाँ पी ए बी का दे दिया था और पी बी का वैल्यू पी है तो पी का मान पूछ रहा था कि क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे कि फॉर्मूले आपको बताया गया होगा पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता था क्या आपका टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी में पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता था। अब यहां से पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 दे दिया है आपको, नेक्स्ट बढ़ते हैं पी ए का वैल्यू 1/2 दे दिया है,
पीबी का मान पी दे रहा है, पीबी का मान कितना पी, और इंटरसेक्शन का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन इसीलिए तो दे दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटना। जब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होता था तो आप लोग इसका वैल्यू जानते थे कि पी ए इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जीरो हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रख लेंगे। इसके बाद उसको सोल्व कर लीजिए विद्यार्थी, सोल्व करने के बाद पी का वैल्यू आपका 1/5 आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए 86 नंबर देखेंगे आप लोग। यहाँ पर 86 है क्या आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि रो से कॉलम में होगा तो 5, फिर कितना 6, 0 से करेंगे तो 0 और 0 5 6 0 0 डी। आगे बढ़िए इसको देखिए, दो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है कि इसका वैल्यू पूछा है कि कौन सा होगा। तो देखिए दो इक्वल मैट्रिक्स है तो x इज इक्वल टू 2x-1 होगा, तो यहाँ से जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे तो 2x-x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना 1 और y का तो 7, तो x का 1 और y का 7 देखिए तो जरा बी में है आपका। ये कह रहा विद्यार्थी आपसे नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन की यदि a आपका वर्ग आदि है तो इसका इन्वर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा इन्वर्स निकालने के लिए सब बहुत कुछ बताया गया है। इन्वर्स इस तरह के क्वेश्चन किसके बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना था इसमें आपको कि a इन्वर्स से दोनों तरफ गुणा कर देगा, 3a³ + 2a² + 5a + i = 0 में a इन्वर्स से गुणा कर देंगे दोनों तरफ इन्वर्स से। अच्छा इन्वर्स से गुणा करने के बाद देखिए पावर कम होता है, हम डायरेक्ट कम करते हैं तो 3a² हो जाएगा ये, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2a और यहाँ पर हो जाएगा 5a इन्वर्स इनटू a i के बराबर हो जाता है, यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है, और यहाँ पर i के साथ होगा 3a इन्वर्स ही रहेगा इक्वल टू 0। हम लोग को तो a इन्वर्स निकालना था, a इन्वर्स को छोड़कर बाकी सबको राइट साइड ले जाइए, देखिए जितना शॉर्ट में कीजिए ये सब निगेटिव वाला ढूंढिए ना, ये सब निगेटिव हो जाएगा राइट साइड जाकर, तो माइनस में 3a² माइनस में आपका 2a होना चाहिए, तो माइनस में देखिए तो 3a² माइनस में 2a और माइनस में 5 नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, चलिए इस तरह के क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे होंगे आप लोग डायरेक्ट, आप देखेंगे इसका को पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए डायरेक्ट बनाने लगेगा तो बहुत लंबा जाता है। आपको कहना चाहोगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आई मान के बनाते थे, आई इक्वल टू आप मान लीजिएगा तो 0 से 1 हो जाएगा और ये होगा एक्स इंटू कितना 1 - x dx power 10 है इसका। अब इसको इक्वेशन पर दूसरा इक्वेशन अगेन हम लोग आई इक्वल टू करते हैं तो डायरेक्ट देखिएगा हम बदल रहे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं अपर वैल्यू माइनस एक्स होता है तो 1 - x और इंटू जैसे ही आप एक्स की जगह 1 - x रखेगा तो 1 - x डालने के बाद में एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 से 1 + x होगा, एक्स के पावर 10 हो जाएगा और इंटू कितना dx हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो देखिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना गया विद्यार्थी, डायरेक्ट इसका इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वैल्यू इसके बराबर होता है, तो दूसरे इक्वेशन से आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा x^10 - x^11 और इंटीग्रेशन इसका करना है 0 से कहाँ पे 1 तक dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्यों होंगे आप लोग 11/11 और इसका 12/12 0 से 1 तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जोड़ना नहीं था, जोड़ने के बाद तो दूसरा रूल बनता था, ये ऐसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा दिए और सॉल्व कर दिए, 1 डालिएगा ये आपका 1/11 ही रहेगा, 1 डालोगे 1/12 आ जाएगा, 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा, उधर वैल्यू सॉल्व कर दीजिए एलसीएम आ जाएगा, आप देख ही रहे विद्यार्थी 123 आपका 132 आ जाएगा ना 132 और यहाँ पे आपका आ गया कितना 12 - 1/12 = 1/132 ऑप्शन इज ए। आगे बढ़िए 90 नंबर, एक्स बराबर दिया हुआ है तो पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करना हो दिखता चल जाएगा नीचे दिखा, आगे देखिए तो यहाँ पे आपका आ गया 90 नंबर क्वेश्चन, x का वैल्यू 1/5 है तो cos इनवर्स x + इसका वैल्यू कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे cos इनवर्स x और फिर sin इनवर्स x का मान के साथ cos वैल्यू x का वैल्यू जब 1/5 दे दिया, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो cos इनवर्स x को वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, अब इसके बाद 2 sin इनवर्स x का फार्मूला sin बन जाएगा आपसे, थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 मिनट। अब आगे देखेंगे हम लोग 90 निम्नलिखित में से कौन सा सममित है, सममित होना चाहते थे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वही कर जाए उसको सिमेट्रिक कहते थे,
और सिमेट्रिक पहचानने का तरीका क्या था कि डायगोनल कुछ भी लिखा हुआ रहे विद्यार्थी, सामने वाला एलिमेंट सेम दिखना चाहिए। अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ बी होगा तो यहाँ भी बी होगा, सेम दिखना चाहिए सर। तो हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल कुछ भी है लेकिन ये अपोजिट साइन है, यानी आपका सिमेट्रिक नहीं है। देखिए डायगोनल कुछ भी लिखा हुआ है सामने वाला सेम होना चाहिए। देखिए जीरो के सामने जीरो है लेकिन दो के सामने यहाँ दो होना चाहिए था, जो कि भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए डायगोनल कुछ भी लिखा हुआ है लेकिन इनमें से सामने वाला सेम है नहीं है, यहाँ दो है तो यहाँ कितना है तीन है, तो सी भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 19। यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार से कि पी ए नॉट इक्वल टू जीरो है, पी बी बाई ए बराबर वन है, इनमें से कौन सा होगा विद्यार्थी आपका। देखिएगा ये ऑप्शन फर्स्ट, इसको अगर सोल्व करेंगे ना तो आसानी से ए आ जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो ए नॉट इक्वल टू जीरो और पी ए बाई बी का वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाई ए है तो ये नीचे पी ए हो जाएगा और इधर इक्वल टू वन है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए के बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर होगा। यहाँ पर समझिए बहुत थोड़ा सा, जब इसका प्रोबेबिलिटी इस इंटरसेक्शन और वैल्यू पी एफ के बराबर होगा तो क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट ए के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी अगर सेट ए के बराबर है तो क्लियर है कि ए का जो भी एलिमेंट होगा वो आपको इससे छोटा वाला बी से दिखेगा, सेवन उसमें इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये इसका मतलब कि ए आपका बी का सबसेट होगा। आगे बढ़ जाइएगा 23 में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू अगर यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स आपको ये बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्स इंटू थ्री बाई फाइव इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, वन माइनस वन फोर फोर बाई वन सिक्स नाइन और फिर प्लस कितना ट्वेल्व बाई थर्टीन और इंटू रूट अंडर आ जाएगा कितना 1 माइनस 9 बाई 25। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा कितना आ जाएगा, बस सीधे ऑप्शन इससे देख लीजिएगा आपको बी आ जाएगा सोल्व करने के बाद। आगे देख लेते हैं 23 नेक्स्ट, इसको डायरेक्ट आप लोग बना दीजिएगा तरह के क्वेश्चन देखिए तो पाई बाई टू से पाई बाई टू अपर और लोअर जब सेम हो जाए ना तो कुछ नहीं करना है, मनाने की कोई जरूरत नहीं, डिफिनेटिव इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। एक सिक्को को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 छीत आने की प्रायिकता क्या होगा, एक सिक्का को 10 बार उछाला जाए तो आप लोग जानते हैं विद्यार्थी कि एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड 1/2 आता है और टेल भी अगर पूछा जाए तो 1/2 में आएगा एक सिक्का को उछालने पर प्रोबेबिलिटी इसका। तो हम लोग को अगर इसको 10 बार उछाला जाए तब हेड आने की यानी 6 बार बता रहा है कि 6 चीज आने की प्रायिकता क्या होगा, ये आपका वैल्यू विद्यार्थी डी ऑप्शन सही है 10c6 और 1/2। देखिए इसको तोड़ने के बाद आ जाता है ना 10c6 और इसको 1/2 के पावर एक 6 आएगा और फिर एक 1/2 के पावर 4 आ जाएगा, जब पावर बेस से में तो जुड़ के पावर 10 बन जाता है, आपका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट को देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट है आपका 96। x अक्ष के दिख को जान डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस पूछ रहा है, x एक्सिस में आप जानते हैं कि इसका x अक्ष की कोजा का योग क्या होगा, दिख को जाओ का योग, तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 100 होता है और इनका योग पूछ रहा है तो 1 + 0 + 0 = 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। 97 कह रहा है कि समतल द्वारा एक्स वाई जेड अक्ष पर काटे गए अंतरखंड क्या होगा, अंतरखंड निकालना है तो पहले आपको इधर 1 करना होगा तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको देखिएगा 5 से जैसे ही डिवाइड करेगा तो इसका एक्स एक्स वाई जेड एक्स का अंतरखंड वैल्यू दिखाना है, तो इसका 5 से डिवाइड करने के बाद 2x/5 + y/5 और माइनस में z/5 = 1 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। अभी रिवर्स करेगा तो x/5/2 + y/5 और प्लस में फिर हो जाएगा z/-5 = 1, तो 5/2 5 और -5 सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 के बाद 98 नंबर, कहता है कि इन और अवरोधों के अंतर्गत इसका क्या पूछ रहे हैं विद्यार्थी आपसे,
दिया गया है और इसका अंतर्गत कह रहा है कि इसका न्यूनतम मान 2x माइनस 3y का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू 0.5 आएगा और एक आपका वैल्यू 5.0 आएगा, एक आपका 0.0 में देखेंगे न्यूनतम वैल्यू। यहाँ पर देखें तो न्यूनतम वैल्यू जब देख लिया तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू जो इसको मिलने वाला है वो पॉइंट आपको यहाँ पर आने वाला है, चल गया सी होगा सी, ठीक है मिस्टेक ना कीजिएगा आप, क्योंकि डायरेक्ट हमको वहां पे चिन्ह माइनस को ध्यान नहीं दिया, माइनस आपका आगे बढ़ जाइएगा तो हम लोग देखते हैं, सॉरी यहाँ पे कट कर रहा हूँ। अब आगे हम लोग 99 नंबर और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, तो देखेंगे 99 करा कि इस बिंदु से इसका दूरी बताना है, इस तल का दूरी क्या होगा किससे, तो बिंदु से। तो जब भी आप किसी तल का दूरी निकालते हो उसका से इस पॉइंट से, तो आपको बहुत कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे उस पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह पुट कर देंगे इसमें और सबको लेफ्ट साइड में रखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्टेंस डी बराबर कितना, तो मॉड ऑफ 2 × 2 − 3 × − 3 और फिर +6 × −1 और +7 का मॉड बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 36, 36 और 9 45, 4 49, तो नीचे तो 7 हो जाएगा और ऊपर देखें तो विद्यार्थी आपका 4 आ गया, प्लस में 9 हो जाएगा और माइनस में आपका 6 हो जाएगा, -6 हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और प्लस में 7 हो जाएगा और इसका मॉड अब देखिए तो डिवाइड बाय रूट अंडर में आपका 49 हो गया 49, तो आपका टोटल वैल्यू 7 आ जाएगा, इसका वैल्यू नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7। आगे हम लोग देख रहे हैं ऊपर में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 4, 7, 4 2 × 2 यहाँ पे पॉइंट 2 के साथ तो 2 ले लेंगे, फिर −3 × y का मान −3 था तो −3 ले लेंगे और फिर +6 × −1 था −1 लेंगे और +7 और नीचे इस सब का वैल्यू 7 आ जाएगा और पूरे का मॉड रखेंगे, टोटल वैल्यू देखिएगा तो 4 हो गया, इसका वैल्यू होगा +9 और ये हो जाएगा −6 और +7 डिवाइड बाय नीचे 7। चलिए टोटल वैल्यू देख लीजिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट से पूछ रहा था, ये हो जाएगा 9 × 4 = 13, 13 और 7 = 19, 19 में से 6 गया आपका 13, ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है तो बड़ा गड़बड़ कर दिया का हो गया ऑप्शन में नहीं दे रहा आगे बढ़िए, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा विद्यार्थी, इस पॉइंट से इस तरह का दिखाएगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, गलती है ना। देखिए तो इस लास्ट क्वेश्चन है, इसका पूछ रहा है कि अवकल समीकरण का कोटि क्या होगा डिग्री, तो डिग्री के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए सिखाया जाता है आपको कि पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, ऑलरेडी पॉलिनोमियल में है कहीं कोई दिक्कत नहीं, dy/dx न तो लॉग में है न साइन का फंक्शन में है, तो हम लोग को डिग्री क्या होगा सबसे ज्यादा, देखिए कोटि पूछ रहा है ना ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर सबसे ज्यादा डिफ्रेंसिएशन यहीं पर है 2 बार, कितने बार है 2 बार, समझो लास्ट हम लोग विद्यार्थी पूरे टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हम लोग है ना, जितना आपको 100 क्वेश्चन कराया गया है A to Z को हम लोग फटाफट से ऑप्शन को दिखाते चले गए, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमेशा इस पर बहुत ही कंटेंट पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है, हर चीज का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन हर नया नया कंसेप्ट मिलने वाला है, आप लोग इसी चैनल में विद्यार्थी एयरफोर्स है ना एयरफोर्स का NDA का बैच स्टार्ट होने वाला है सर, आपको जब भी बैच स्टार्ट होगा लाइव क्लास में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन नहीं करके रखेंगे, ये सब ऑन करके रखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, हमेशा आप चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात का लाभ मिले, है ना। जय हिंद।